याद रखिएगा, ईमान जो है वो पासपोर्ट है। ईमान जो है जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पासपोर्ट है। और अमले साले नेक अमल जो है जैसे नमाज, रोजा, हज, जक़ात, सदका, खैरात वगैरह वगैरह, ये वीजा है। तो अगर वीजा अच्छा लेके नहीं जाइएगा तो एंट्री कैसे हो पाएगी, समझ गए आप? तो पासपोर्ट है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वीजा क्या है? हमारे नेक अमल। नेक अमल करेंगे तो दुनिया में भी फायदा, मरने के बाद भी फायदा, कब्र में भी फायदा, मैदान महशर में भी फायदा। मन अमल صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 97। जिसने भी नेक अमल किया हम दुनिया में उसको अच्छी जिंदगी में देंगे, हम दुनिया में उसको अच्छी जिंदगी देंगे और हम उसको बेहतरीन बदला देंगे जो वो लोग करते थे। जब तक हम और आप अच्छा अमल नहीं करेंगे हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेहनत करना जरूरी है। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ पढ़ लिए घूमते रहे ना, जब तक अमल ना हो। और अमल है तो अल्लाह ताला की रहमत हमें और आपको मिलेगी।